नमस्कार, मैं तनु बौद्ध। प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर आगरा से है, जहां 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया। 14 जून को सुबह 9 बजे से संकल्प सेवा संस्था द्वारा विश्व रक्तदान दिवस का आयोजन किया गया, जो कि लोकहित ब्लड बैंक कमला नगर आगरा द्वारा आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर के अध्यक्ष संस्था के मुखिया ब्रजेश पंडित रहे। संकल्प रक्तदान ग्रामीण के अध्यक्ष उमेंद्र राजपूत ने बताया कि संस्था का एक ही उद्देश्य है कि हिंदुस्तान में हर वर्ष 40 लाख लोगों की मृत्यु केवल रक्त की कमी के कारण हो जाती है, इसलिए इस मृत्यु दर में कुछ कमी आए, इसलिए यह संस्था शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जाकर जागरूक करती है और जगह जगह रक्तदान शिविरों का आयोजन भी करती है। उस रक्त को संस्था आगरा के अनेक ब्लड बैंकों में सुरक्षित रखती है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर मरीजों को निशुल्क रक्त मुहैया कराया जा सके। शिविर में उपस्थित ब्रजेश पंडित अध्यक्ष संकल्प सेवा संस्था, उमेश राजपूत अध्यक्ष संकल्प रक्तदान ग्रामीण, दीपक कुशवाहा महासचिव, दुर्गेश पांडे, कपिल देव आदि लोग मौजूद रहे। शिविर में कुल 21 यूनिट रक्तदान हुआ। रक्तदान करने वालों में सुमित कुमार, ललित प्रसाद आर्य, सूरज सैनी, अभिषेक गुप्ता, अजय कुमार, सोनू कुशवाहा, अमर राजावत, सत्यप्रकाश, राजकुमार नारवाल, अर्जुन कुशवाहा आदि लोग शामिल हुए। प्राइम न्यूज 24 के लिए सलामुद्दीन अब्बासी की खास रिपोर्ट। रक्तदान ग्रामीण अध्यक्ष, आज विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को संकल्प सेवा संस्था के द्वारा लोकहितम ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संकल्प सेवा संस्था के द्वारा लगभग 21 यूनिट ब्लड अब तक दान हो चुका है और आगे प्रयास जारी है। संस्था का एक उद्देश्य है, जो हमारे हिंदुस्तान में 40 लाख लोगों की रक्त की आवा में जान जा रही है, उसमें कुछ कमी आए। 40 लाख लोगों की जान अकेली संस्था नहीं बचा सकती, लेकिन प्रयास हम लोग जब जरूर कर सकते हैं, तो उसमें कुछ कमी आए और उद्देश्य जो संस्था का है वो